आज तो बड़ी अच्छी बैठक हो रही है। चलिए अरे दादा और कुड़ाई पे किसान बंधुओं को राम 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 आओ सब आओ बिराजो आप भी। समूह के बारे में अपन चर्चा करते ही रहा हर बार, तो हिसाब से अपन सबसे पहले तो गोलाई से बेटा अपनो राम राम साहब राम राम आओ। पहले तो अपन ये चर्चा करें कि जो अपनी पिछली मीटिंग हुई थी, तो पिछली मीटिंग में अपन ने निर्णय लिया था सभी किसानों ने बैठ के अपन ने कि अपन को कैसे अध्यक्ष सचिव का चयन करना है। तो वो पिछली मीटिंग में अपना अपन ने अध्यक्ष और सचिव का चयन कर ही लिया था, तो उसी हिसाब से आगे पिछली मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुई उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कल हम अध्यक्ष और हम मैं दोनों रहते हम बैंक गए थे, बैंक ऑफ इंडिया जेतपुरा कला। तो वहाँ पे अपन ने अधिकारी से चर्चा की, मैनेजर साहब से, तो उन्होंने बोला कि आपका अकाउंट खुल जाएगा, तो आप सभी अपना अकाउंट खुलवाने में सहमत है। और जो मैं वहाँ से कुछ जानकारी लेके आया हूँ बैंक से, उसके बारे में आप सबको मैं अब बताता हूँ। वहाँ पे अपना प्रस्ताव लगेगा, एक तो ये जो प्रस्ताव अपन ने तैयार किया आज, ये प्रस्ताव लगेगा, ये प्रस्ताव अपन को लगाना पड़ेगा। इसके बाद में अपनी जो एक्सेस संस्था है उसका भी इसमें सील और साइन होगा, उसका लेटर चाहिए, तो वो लेटर एक्सेस की तरफ से लग जाएगा। उसके बाद में अध्यक्ष सचिव के वोटर कार्ड प्लस राशन कार्ड, ये दोनों उसके प्रूफ चाहिए, ये दोनों उस प्रूफ के रूप में उनको देना पड़ेगा। उसके बाद में दोनों का जॉइंट अकाउंट रहेगा वो, और एक्सेस का एक लेटर रहेगा वहाँ पे। हाँ सर, सचिव और अध्यक्ष कितने फोटो लगेंगे इसमें? अध्यक्ष और सचिव के दोनों के 4 फोटो लगेंगे इसमें, और उनका वोटर आईडी प्लस राशन कार्ड जो कूपन रहता नहीं अपने घर पे, वो दोनों प्रूफ के रूप में बैंक मांगेगी। और जो पिछला प्रस्ताव अपन ने बनाया था वो प्रस्ताव रहेगा, वो अध्यक्ष और सचिव दोनों को चलना पड़ेगा, मेरे को भी साथ में जाना पड़ेगा। प्रस्ताव में सब सदस्य का साइन होगा नहीं? उसका फिर प्रस्ताव अपना सबका साइन रहेगा, तो साइन में कोई दिक्कत नहीं, सभी साइन करेंगे और सभी आप उसमें साइन रहेंगे आपके भी, प्लस अध्यक्ष सचिव की सील भी रहेगी उसमें प्रस्ताव में, तो सील अपनी बन चुकी है, सील कल बनवा ली थी अपन ने, तो वो कल सील भी बन चुकी है, तो सील बन गई तो अपने बैंक में चलना है कल। पिछली मीटिंग में मैं नहीं आया था, तो ये मेरे को बचत खाता क्या होता है, इससे क्या लाभ मिलता है, इससे क्या होता है, ये सारी जानकारी है मेरे को विस्तार में बताइए। बैंकिंग क्यों कर रहे हैं इकट्ठा, इससे क्या लाभ होता है? हाँ तो प्रेम सिंह जी, जो आपने बात पूछी बिल्कुल सही है कि आप उन्हीं मीटिंग में नहीं आया था, तो उन्हीं के लिए अपन ने यह प्रक्रिया बनाई कि जैसा ही पैसा ही इकट्ठा हो गया तो आने एक आदमी के पास तो अपन रखबाई का नहीं, यानी लिए सबसे बेस्ट काम बेटर यू है कि यानी सारी की सारी राशि अपन बैंक में डालना है नी, यानी के लिए हम वहाँ गए थे कल, वो राम प्रसाद जी लेके गए थे, तो वहाँ मैनेजर साहब से टोटल जानकारी ली, और वो ज्वाइंट खाता में सचिव और अध्यक्ष का नाम से वो खाता खोल दा, वो मैं ये अपना पैसा रखा रहेगा बैंक में सुरक्षित। यानी जो उन्हें प्रस्ताव जो लियो थे ना अपन ने पिछली मीटिंग में, उन्हें प्रस्ताव है लेकर हम चले गए थे वहाँ बैंक ऑफ इंडिया में, तो वहाँ उन्होंने बताई कि यार यानी मात्र प्रस्ताव से आपको खाता नहीं खुलेगा, ये में और भी कागज चाहिए, फोटो वगैरह। हाँ तो फोटो के लिए सारी की सारी अन्य जानकारी अन्य राम प्रसाद जी ने और ले रखी, कुछ तो मो भी याद है, कहीं राशन की एक फोटो कापी वहाँ चाहगी, वोटर कार्ड चाहो, और भी है कहीं कहीं कागज, तो ये बता देगा अभी अपन। मान लीजिए तुमने बैंक में खाता खुलवायो, अध्यक्ष सचिव का नाम से खाता खुलियो, ये मान लीजिए पैसे तुम वहाँ के बना पूजा है लगा या दूसरा है लगवाने अड़ी को कहीं ऊपर का रहेगी मान लो। तो शिव दादा आप मतलब थोड़ो विश्वास नहीं है कि मान लो पैसा, हाँ थोड़ो मतलब मन में संकोच है, तो मैं उसका समाधान करता हूँ कि जो अपना बैंक में राशि रहेगी जमा कर दी अध्यक्ष सचिव, जमा कोई भी कर सकता है, जमा आप भी कर सकते हो, ठीक है नहीं, आप भी जमा कर सकते हो लेकिन निकाल कोई नहीं सकता है। अध्यक्ष सचिव भी जब निकालेगा, जब अपन सभी 20 लोग ही प्रस्ताव बना के किसी भी जरूरत के अनुसार उसको काम लेंगे, तो अपन है नी 20 लोगों का मतलब नहीं साइन होगा, और अध्यक्ष सचिव की सील लगेगी, ओके साथ में जो एक्सेस का जो यहाँ का मैं ही हूँ, तो मैं उसके ऊपर साइन करके दूंगा,
तो आपकी राशि निकलेगी वो ऐसे अध्यक्ष सचिव को ही आपकी राशि। ये प्रस्ताव इसीलिए लगा कोई कोई भी नहीं निकालेगा और अध्यक्ष सचिव कोई नहीं निकाल सकता उसको। सभी जो अपन यहाँ सभी किसान बैठे हैं तो सभी समूह के सभी सदस्यों से मतलब मेरा ये कहना है कि किसी भी के भी मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि पैसा कोई निकाल सकता है। पैसा तो कोई निकालेगा नहीं, सभी लोगों की सहमति से पैसा निकलेगा अपने जरूरत के अनुसार। उसके बाद में अपन को कोई भी व्यक्ति जाके अपना एक खाता नंबर रहेगा अकाउंट नंबर तो उसे चेक भी कर सकता है, ठीक है नहीं? समूह का नाम से रहेगा, समूह का नाम से रहेगा, अध्यक्ष सचिव के नाम से रहेगा नहीं। खाता अपना जो रहेगा बैंक में एक वो समूह का नाम से, वो समूह का नाम से, जैसे मुरारी कृषक समूह अपना, तो मुरारी कृषक समूह का अपना प्रस्ताव है, मुरारी कृषक समूह ही रहेगा वहाँ पे, ठीक है नहीं? अध्यक्ष सचिव नहीं निकाल सकता है। और भविष्य में अपन को फिर आगे अध्यक्ष सचिव का भी अगर अपन यानी दूसरा चयन करना हो तो इनको हटा भी सकते हैं अपन। कोई शक इसमें शंका है कोई बात की? तो अध्यक्ष सचिव से मेरा मतलब कहना है कि अध्यक्ष और सचिव संतोष जी शर्मा आप और देवनाथ जी आप दोनों यानी दोनों सारे कागज तैयार कर लेना, फोटो कॉपी करवा लेना उसकी और ओरिजिनल भी साथ में लेके अपन को। और कल कितने बजे चलना है अपन को? 11 बजे? हाँ 11 बजे चलना, 11 बजे अपन को बैंक में चलना है नहीं? तो सभी साथ में चलेंगे अपन बैंक में और कल अपना खाता खोल देंगे अपन। और खाता खुल जाएगा उसके बाद में अपन फिर खाते में, मेरा एक और मानना है कि अकाउंट अपन खोल रहे हैं तो 500 रुपये से अकाउंट खुलेगा अपना, पर 500 रुपये से अकाउंट अपना खुल गया पर ये सभी राशि अपन उसमें जमा हो जाए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है नहीं? 500 रुपये तो खाते के लग जाएंगे और पूरी राशि उसमें जमा रहेंगे, किसी के पास नहीं रहेगा, रसीद मिल जाएगी उसकी, ठीक है नहीं? तो आज की मीटिंग की अपनी अध्यक्षता संतोष शर्मा जी को अपन ने अध्यक्ष बनाया था। मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि ये आज की जो अपनी मीटिंग थी इसका समापन करें। आप सभी लोग ने अपना जो बहुत कीमती समय है किसान को वैसे उन समय है को ध्यान रखते हुए आप सारे इन मीटिंग में आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अपन ने आज को ये विचार विमर्श करो यानी पूरा करेंगा और यदि अगली मीटिंग आए तो सुनियो यार के आप लोग काम में उलझा रहो थोड़ा समय के लिए वाली, पर बाकी आपको लोग को आपको जरूरी है पर में टाइम तो कम से कम सूचना तो होनी चाहिए। तो मैं कहीं अपन जो भी विचार कर रहा हूँ सारों को सारो आपके सामने आ जा कि अपन ने कई मीटिंग में सूद बांधी हो कहीं नहीं बांधी हो कहीं करना आगे की प्रक्रिया। पर एक निवेदन कर विचार हूँ, जैसे अपन जो 10-10 रुपये मात्र जमा कर रहा तो ये राशि बहुत दिन में जाके थोड़ी सी बढ़ेगी, तो क्यों नहीं ऐसी करा अपन के थोड़ा थोड़ा और बढ़ा ला 20 कर ला 10 की जगह। आप सब लोग की इच्छा अगर है तो है ना, तो उसे कहिए कि अपनी राशि भी थोड़ी वहां दिखेगी बैंक में भी है ना, यही निवेदन में कर बोचारे तो। और आने के साथ आप कहीं कराएंगे जैसे आज की तो होगी क्यों नहीं, अपना नियम जो भी कार्यवाही थी पूरी होगी। अब कल हम जाएंगे, वो भी जाऊंगा और ये सचिव साहब भी जाएगा, देवनारायण जी भी, राम प्रसाद जी भी जाएगा, तो हम सब जल्दी जाके बैंक में खाते खुलवा ला और वह राशि वहां डालना है नहीं? ठीक है। तो आप लोग सभी आया इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है नहीं? और यही अपन मीटिंग विश्राम देता फिर दादा और आगे अल्लाह फिर आ जाए है नहीं? जय राम जी के राम राम।